नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विकेट अप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जिस भर्ती के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो भर्ती डेपुटेशन बेसिस भर्ती है। डेपुटेशन बेस की भर्ती क्या होती है, जैसे इसका मतलब सीधा मतलब समझना कि जो पहले से डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं उन्हीं को डेपुटेशन, जैसे कि कोई कहीं पर जॉब कर रहे, ITBP में कहीं जॉब कर रहे हैं तो NDRF में डेपुटेशन चले गए। तो इसी तरह आप सभी को बात समझ लीजिए, कोई कैडर वगैरह चेंज नहीं होता, जिस भी कैडर की भर्ती होती है उसी कैडर में आप डेपुटेशन में जा सकते हैं, काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेपुटेशन की भर्ती है, डायरेक्ट वालों के लिए भर्ती नहीं। मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट वाले बच्चे मेरे वीडियो देखते रहते हैं, कैंडिडेट देखते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बनाना जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप सभी की किस पोस्ट के लिए डेपुटेशन भर्ती निकल गया है, तो सब इंस्पेक्टर मोटर मैकेनिक की पोस्ट में निकल के आई है आप सभी की, जो की 124 वैकेंसी निकल गया है, ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी के रूप में निकल गया है। ठीक है, कैसे कैसे भरना है फॉर्म, सारी चीजें यहाँ पर बताई दी गई है। फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर मोटर मैकेनिक कम्बेटाइज इन CRPF ऑन डेपुटेशन बेसिस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 124 वैकेंसी निकल के आई है आप सभी के। ठीक है, यहाँ पर कैसे कैसे आपको भरना है, तो ये सारी चीजें आप सभी के है लिखा है। नॉमिनेशन ऑफ विलिंग एंड एलिजिबल पर्सनल मे बी फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल का मतलब होता है कि जिस आप यूनिट, जिस बटालियन, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो, जहां पर भी आप पोस्टेड हो, उनके जरिए आप सारा काम स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली दिल्ली हेडक्वार्टर भेजोगे नोटिस या फिर दिल्ली भेजोगे, आपको प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आपके कमांडेंट हो या फिर DIG हो या IG, उनके थ्रू आपको पूरा प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर चैनल अलॉन्ग विद बायोडेटा, बायोडेटा आपको अपना देना पड़ेगा, इंडिकेटिंग फुल सर्विस पर्टिकुलर, सारी सर्विस की डिटेल बायोडेटा में तो रहती ही है, फोटोकॉपीज ऑफ APR, जो भी आपकी एनुअल प्रोग्रेशन रिपोर्ट वगैरह है वो सारी चीजें देनी है। 5 साल की मांगी गई है, लास्ट 5 ईयर्स की मांगी है। डूली अटेस्टेड ईच पेज, सभी पेजेस को अटेस्टेड करना है। इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट चाहिए आप सभी को, या आपको विजिलेंस से मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, विजिलेंस सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, ये परफॉर्मा वगैरह इसमें दिया गया है। और भेजना कहाँ पर है, ये आप नहीं भेजोगे, ये वही भेजेंगे, आपके प्रॉपर चैनल के थ्रू आएगा, यानी आपकी यूनिट से आएगा। DIG डायरेक्टरेट जनरल CRPF ब्लॉक नंबर, ये CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली भेजना आप सभी को। ठीक है, 60 दिन के अंदर है, ये सारी चीजें हैं। इसके लिए नियम शर्तें यहाँ पर सारी लिखी गई हैं। देखो, आपकी जो पोस्ट होनी चाहिए वो रेगुलर सर्विस पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं सर्विस ब्रेक वगैरह किया। APR भी आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आ गया विद 6 ईयर रेगुलर सर्विस, 6 ईयर की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। अगर आप Level 5 पे हो तो Level 5 पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो Level 6 की पोस्ट होती है, मगर यहाँ Level 5 पे हो तो Level 5 पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए। यहाँ पर 2 साल का ITI वगैरह मांगा गया है आप सभी से, मोटर व्हीकल में, मकैनिक मोटर व्हीकल में आप सभी का। ठीक है, और उसके साथ आप सभी का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह आप सभी का मांगा गया, ये सारी चीजें आप सभी की लिखी हुई है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है 3 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ सर्विस, तो मतलब एक्सपीरियंस तो होगा ही ना। और मेडिकल कैटेगरी में आप सेफ बन होने चाहिए, नहीं बिल्कुल मेडिकली फिट होने चाहिए आप सभी। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इन द फीडर कैटेगरी हु आर द डायरेक्ट लाइन ऑफ द प्रमोशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन द डेपुटेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो एकदम प्रमोट होने वाले हैं सब इंस्पेक्टर पे, वो नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, पीरियड ऑफ डेपुटेशन जो है वो फिक्स नहीं है, बताया नहीं गया कितने साल के लिए। टर्म ऑफ डेपुटेशन ये भी नहीं बताया गया कितने साल का डेपुटेशन है। एज लिमिट यहाँ पर बता दी गई 56 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी और कुछ ज्यादा दिया नहीं गया है यहाँ पर, ये पूरा परफॉर्मा दिया गया है। ठीक है, इस परफॉर्म में आपको पूरा फिलअप करना है, चाहे तो आप इसको कंप्यूटर से टाइप कर सकते हो या इन हैंड भर सकते हो, सारी चीजें आप यहाँ पर भर सकते हो, ये पूरा परफॉर्म है। और इस परफॉर्म को भर को आपको अपने यूनिट वगैरह में आपको देना है। ठीक है, ये सारा आप देख सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ बी फर्निश बाय द एम्प्लॉयर, यानी ये आपको नहीं भरना है, ये आपके यूनिट से भरा जाएगा। एम्प्लॉयर मतलब होता है जो वहां पर हेड है। ठीक है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो सारी चीजें यहाँ पर भरी जाएंगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, ये सारा स्टैम्प वगैरह, तो 2 फॉर्म आपको भर के अपने डिपार्टमेंट में देना है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल भर्ती है, डेपुटेशन भर्ती है, तो डेपुटेशन वाले जो भी हैं कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डेपुटेशन में आप शायद ASI से सीधा सब इंस्पेक्टर पे डेपुटेशन दे सकते हो, तो अच्छा है, पैसा भी बढ़ जाएगा आप सभी को, और बढ़िया है, अलाउंसेस वगैरह भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हो भेदड़क से, कमेंट बॉक्स कमेंट करना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए फिर अभी के लिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।